हम दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से। तो आप ये बताइए, आप इतनी उम्र में आप कैसे भेजते हैं? आप चला भी नहीं जा रहा आपके आपके पूरे। हमारी फाइलिंग गिर गई थी जी, तो हम 3 साल से सन 16 से हम मेरी फाइलिंग जो गिरी है तो आज तक हम संभल नहीं पाए। अच्छा अच्छा, तो फालिस है और उसके बाद भी आप ऐसी मदद मतलब काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कोई घर में कमाने वाला नहीं है? कमाने वाले हैं जी, लेकिन शादी के बाद तो नहीं। शादी का मतलब ये थोड़ी है कि अपने बाप को छोड़ दे, अपनी माँ को छोड़ दे। ये तो ये क्या कहा जाए, ऊपर वाले की मसलात है कि कौन सी बुराई की है या क्या है? नहीं, बुराई नहीं की है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप रोना नहीं है, रोना नहीं है आपको, आपको रोना नहीं है बिल्कुल भी। देखो अल्लाह जो करते हैं, पता नहीं क्या बेहतर ही है उसमें ना आपको। मैं बड़ा खुश हूँ, रोना नहीं है आप रो रहे हैं, आप रोना नहीं बाबा, आपको आप रोएंगे तो हमारा दिल छोटा होगा। आपको हिम्मत से काम लेना है ना, हिम्मत से काम लेना है आपको। देखो वो आपकी जो औलाद है ना, वो समझ नहीं पा रही आपको, वो समझ नहीं पा रही कि वो कितना बड़ा, कितने बड़े टोटे खसारे में है। सही बता रहा हूँ आपको। अरे आप रोना बंद, और जब आप इस दुनिया से चले जाओगे ना, तब वो एहसास करेंगे, तब वो आपके माँ बाप, आपके जो बच्चे हैं ना, वो एहसास करेंगे कि हमने क्या खो दिया। उनको पता नहीं क्या वो कि आप ये जो ये ना, इसकी जब दुआ निकलती है ना मन से, जब अल्लाह बच्चे माँ बाप अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं ना, वो सातों ज़मीन और सातों आत्मा को चीरती हुई जाती है। लेकिन आप फिर भी आप अपने बच्चों को दुआ दे रहे होंगे, इस हाल में भी आप बच्चे को दुआ दे रहे होंगे ना। तो ये कितने का सामान लिया बाबा आपने? 594 का है सामान। 594 का सामान है आपका? तो 594 में बाबा कितने पैसे हो जाते हैं आपके? 50-60 मिल जाते हैं। 50-60 मिलते हैं, और 50-60 में आप उसी में हम लानत है। मैं सच में बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे बच्चों पे लानत है, और ऐसे जो लोग अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, मैं कह रहा हूँ कि उनकी ज़िंदगी भी ख़राब, उनकी आखिरत भी ख़राब। जिसने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की, उसकी दुनिया तो बर्बाद होने वाली है और आखिरत तो उसकी बर्बाद होगी। तो मैं कहता हूँ कि मेरे भाई ऐसे लोगों की मदद किया करो, ऐसे अपने माँ बाप को बिल्कुल भी अकेला ना छोड़े इस हालत में, जब बच्चों की ज़रूरत है एक बाप को, फालिस की हालत में। फालिस हमारे बाबा को है, और फालिस होने के साथ साथ हमारे बाबा काम कर रहे हैं, मांग नहीं रहे। सबसे बड़ी बात है कि आप मांग नहीं रहे हैं, आप मांग नहीं रहे हैं, आप खुददार आदमी हैं, मांग नहीं रहे हैं। आप रोना नहीं, बस हिम्मत नहीं, आपको हिम्मत नहीं हारनी है बाबा, आपको रोना नहीं है बाबा। ये हम ले लेते हैं आपका, कितने का आप पूरा सामान, आप ये बताइए। जो भी मिलेगा अभी, कितने का आप सामान लाए हुए? 494 का। अच्छा, ये हमने ले लिया आपका सारा, ठीक है। अब आप घर जाइएगा, अब ये सारा सामान हम ले लेंगे आपसे। आज आप ले लेंगे, कल हम क्या करेंगे? कल आप क्या करेंगे? कुछ हम मदद कर रहे हैं, जिससे आप कम से कम 2-3 दिन 4 दिन आप उन पैसों से आप अपना कर सके। आप मैं आपका नंबर, आप कहाँ रहते हैं? लखनऊ में? लखनऊ में यहीं पे रहते हैं। तो नंबर इनका नंबर हम आपको, कोई एड्रेस वेड्रेस है आपका? हाँ, चलो बाबा से मिलते रहेंगे। बाबा ये रख लीजिए, ये हमने बाबा अभी ले लिया आपसे, और कोशिश करेंगे कि आप हिम्मत ना हारें, ऐसे ऐसे काम करते रहें। आपका बच्चा आपके साथ में, आपका कितने का था ये? 594 का था ना ये आपका? बाबा ये हम आपको कुछ पैसे दे रहे हैं, 1-2-3-4-5 बाबा, ये 2500 रुपये हैं, 2500 रुपये, ये 2500 रुपये हैं आपकी मदद के लिए। हमने वो सामान ले लिया, आप इन 2500 से आप अपना आज ने दे दिया, तो उसके बाद में अगर 3 रोज के बाद में दवाई इलाज में या पैसे में तो हम लोग आएंगे ना, ये आएंगे, ये लखनऊ से हैं, तो कोई बताएगा तो आपको बता देंगे ना। क्या नाम है आपका? नासिर मामू। नासिर मामू आपका नाम। हम कोशिश ये करेंगे कि हर महीने आपको कुछ पैसा दे दें, जिससे कम से कम आप इस तरह से काम ना करें, ठीक है? ठीक है, हम लोग आया करेंगे, ठीक है बाबा। आप सर पर हाथ रख दीजिए कम से कम। ऐसी हमारी औलाद बस है यार, जी जी, दुआ दुआ, हिम्मत नहीं आना आपको, रोना नहीं, रोना नहीं बाबा, है ना, रोना नहीं। आप आज घर जाइए, आराम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, हम आया करेंगे भाई, नहीं आ पाएंगे दिल्ली से, हम आया करेंगे। मेरा पता नासिर मामू, रईस नगर।
आएंगे पक्का आपके, आप रईस नगर पे, आपको जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है ठीक है ठीक है साहब, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके पास आया करेंगे, खूब कमाओ, खूब नाम पैदा करो बेटा। जी जी, अब हिम्मत भी नहीं होती बोलने की, हिम्मत आप कोई आप आज घर जाइए। जी ठीक।